हाय गाइस, तो कैसे हैं आप। तो आज बात करेंगे स्कैम 2003 की, जो कि अब्दुल करीम तेलगी की स्टोरी है। मैं इसके ऊपर ऑफिशियल ट्रेलर जब आया था तभी वीडियो बना रहा था, बट किसी कारणवश से वीडियो पूरी तरीके से अभी एडिटिंग पे ही चल रही है और वो बन नहीं पाई, और अब मुझे लग रहा है बनेगी भी नहीं क्योंकि वेब सीरीज़ का रिव्यू आने वाला है। तो बेसिकली अब वीडियो बनाने के लिए देरी तो करना पड़ेगा ना डालें। तो बेसिकली वेब सीरीज़ के डायलॉग्स बहुत बढ़िया हैं, मुझे बहुत बढ़िया डायलॉग्स लगे। चूहे नहीं चीते की तरह भागना चाहता हूँ और मुझे पैसा बनाना है कमाना नहीं, बहुत सारे डायलॉग्स बहुत बढ़िया है। और बात करेंगे स्टोरी की अब्दुल करीम तेलगी की। तो बेसिकली इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया होता है ट्रेन से, ट्रेन में ये फल बेच रहे होते हैं। बीकॉम की डिग्री होने के बावजूद इन्हें कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं मिल रहा होता है खानापुर में, बट फिर इन्हें एक आदमी मिलता है जो इन्हें मुंबई में जॉब देता है, फिर ये वहाँ पर काम करने लगते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद इनकी शादी वगैरह हो जाती है और फिर ये 7 साल के लिए गल्फ चले जाते हैं। बट ये नहीं चाहते अपनी बीवी और बच्चे से दूर होकर पैसे कमाना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दूर रह के काम करना इतना आसान नहीं होता है। फिर ये थोड़ा सा फ्रॉड वगैरह करने लगते हैं, मतलब फेक सर्टिफिकेट वगैरह बनाने लगते हैं उन लोगों के लिए जो गल्फ में जाके काम करना चाहते हैं, बट उनके पास सर्टिफिकेट वगैरह और एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं होती। बट ये पकड़े जाते हैं और फिर उनके ऊपर केस भी होता है, बट फिर कहानी आगे चलती रहती है इसी तरीके से। और फिर ये अपने एक दोस्त कौशल के साथ एक स्टैम्प पैड का फ्रॉड करने लगते हैं, बट वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, वो बहुत कॉमन था, बहुत सारे लोग और भी कर रहे थे तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर इनके दिमाग में एक नया आइडिया आता है स्टैम्प पेपर का फ्रॉड करना, और वो भी स्टार्टिंग में कुछ और होता है, फिर धीरे 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 वो इस तरीके से कर लेते हैं कि वो खुद प्रिंट करने लग जाते हैं स्टैम्प पेपर्स, और इस अमाउंट में प्रिंट करने लग जाते हैं कि पूछो मत। तो बेसिकली कहानी बहुत बढ़िया है, एक स्कैम के ऊपर है, और इतना बड़ा स्कैम है ये लग नहीं रहा होता है पूरी सीरीज़ में कि धीरे धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने जब अमाउंट भी सोचा था तो 70 से 80 करोड़ 90 करोड़ सोचा था, बट स्टार्टिंग में इतने स्टैम्प पेपर्स बिकते नहीं, क्योंकि लोग इतने स्टैम्प पेपर्स का यूज़ नहीं कर रहे थे, और जो कर रहे थे वो लोगों को वैलिड लाइसेंस वगैरह इन सब चीज़ों की डिमांड होती है। बट इन्होंने फिर जुगाड़ वगैरह और पता नहीं कितने लोगों को पैसा वगैरह खिला के क्या क्या किया है वो तो आप सीरीज़ में जब देखोगे तभी पता चलेगा आपको। बट फिर एक एंड वाला सीन आता है जिसने इतना हाइप क्रिएट किया जो सही लगता है। और वैसे भी जब भी बात आदमी की औकात पे आती है तो वो सीन सुपर सीन हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही होता है, एक आदमी एक लड़की के ऊपर बहुत सारे पैसे लौटा रहा होता है, मतलब वही लड़की जिसे वो डांस बार में ज़्यादातर अब्दुल देखने जाते रहते हैं। बट फिर जब ये खुद पैसे उड़ाने लगते हैं और एक कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाता है एक तरीके से, और इस कॉम्पिटिशन में जब वो दूसरा आदमी जीतने लगता है अब्दुल से, तब अब्दुल को गुस्सा आ जाता है, और उसके बाद वो जो पैसे मंगवाता है भाई साहब 90 लाख रुपए उड़ा देता है एक लड़की के ऊपर। और ये बात 2000 की है, मतलब सोच रहे हो 90 लाख रुपये। आज भी अगर 1 करोड़ रुपये किसी से मांगा जाए तो 1 करोड़ रुपये अरेंज करने में कितना टाइम लगता है, और उसने कैश में उड़ाया है 90 लाख। भाई ये सीन इतना हाइप क्रिएट कर देता है, और यही बेसिकली 5वें एपिसोड का एंड सीन है। बट वैसे यहाँ ख़त्म नहीं है, इसके बाद भी काम चलेगा, अभी 5 एपिसोड आए, अभी और 5 आएंगे, मेरे हिसाब से 10 एपिसोड आएंगे टोटल, तो देखने वाले होंगे वो 5 एपिसोड। अब हाइप कुछ ज़्यादा ही ऊपर लेवल तक जा चुकी है, बट जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर को प्ले किया है इट्स ऑसम। हर किसी का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, हाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी और हैं जो बिल्डअप हो रही हैं, और धीरे धीरे जब वो होगा तब और मज़ा आएगा, मतलब अगले एपिसोड जो आएंगे उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो थैंक यू वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर इस तरह की किसी और मूवी और वेब सीरीज़ का रिव्यू जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और मूवी और वेब सीरीज़ के रिव्यू में। थैंक यू वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।